थाना सिविल लाइन पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश सतपाल उर्फ भंडारों को किया गिरफ्तार। सिविल लाइन थाने में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने किया खुलासा। आपको बता दें कि थाना सिविल लाइन पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना प्रभारी दरवेश कुमार द्वारा अपनी टीम के साथ गश्त करते हुए पीएससी तराय पहुंचे। तभी उत्तराखंड जनपद हरिद्वार रुड़की के थाना सिविल लाइन में तैनात उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने फोन पर अवगत कराया कि जनपद हरिद्वार उत्तराखंड का वांछित 5000 का इनामी आरोपी मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में रह रहा है। वहीं 5000 के इनामी बदमाश के घर पर होने की सूचना पर थाना प्रभारी दरवेश कुमार ने अपनी टीम के साथ सतपाल उर्फ भंडारों को उसके घर के पास दर दबोचा। उसके पास से 25 ग्राम स्मैक, एक नजायज चाकू, 4490 रुपए बरामद किए हैं। वहीं जानकारी देते हुए एएसपी अनिल कुमार यादव ने थाना सिविल लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया। क्या पूरा मामला है सर, कहां से वांछित है? एक आरोपी सतपाल उर्फ भंडारा जो कि यहाँ आदर्श कॉलोनी का रहने वाला था, इसके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया था सिविल लाइन थाना रुड़की हरिद्वार में। और कल जैसे वहाँ के विवेचक ने सूचना दी हमारे सीओ अंडर ट्रेनिंग दरवेश को कि हमारे यहाँ का एक भगोड़ा और 5000 का इनामिया मुलजिम मुरादाबाद में रहता है, तो दरवेश और इनकी टीम ने बड़ा सराहनीय कार्य करते हुए उस मुलजिम को जो है पकड़ा है आदर्श कॉलोनी से, और उसके पास से 25 ग्राम के आसपास स्मैक और एक नाजायज चाकू के साथ उसको गिरफ्तार किया। उसके पास से कुछ 4500-5000 रुपये भी बरामद किए हैं। तो बड़ा क्विक, बहुत कम समय में इनके द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और एक इनामिया अपराधी को जो है पकड़ के सलाखों के लिए इसके ऊपर 5000 रुपये का इनाम था। इससे पहले कई और इस पर मुकदमे चल रहे हैं? हाँ, इसके ऊपर और भी मुकदमे हैं। ये तो हमारे जो थाने में इसके सिविल लाइन थाने में जो पंजीकृत मुकदमे हैं, लगभग 5 मुकदमे इसके यहाँ पे, मतलब अभी तक जितनी इंडस्ट्री पता चला है जो अथेंटिक है। एक रामपुर में भी इसके खिलाफ मुकदमा है, 2 रामपुर में है, 1 रुड़की में है, और अभी 2 हमारे यहाँ हो गए। तीसरे से इस पर कुल लगभग 5 मुकदमे जो है। मूल निवासी कामगार के साथ और भी ये आदर्श कॉलोनी का रहने वाला है, इससे पूछताछ की जा रही है। अगर इसके साथ और कोई इस तरह का काम में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।